हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है? इसका सही जवाब क्या है? मेघालय, मेघालय राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का कौन सा संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा नागालैंड में शुरू हुआ? तो इसका कौन सा संस्करण है? ये 23rd संस्करण है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है ये? इसका आंसर है गोवा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनको प्रशांत कुमार को। अगला क्वेश्चन है, मीना सुकोई को मनीला ओकाडा होटल परनाट सिटी में पेजेंट की राज्याभिषेक रात के दौरान मिसर चुना गया है? इन्हें किस देश से है? साउथ कोरिया से है ये। अगला क्वेश्चन है, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है कब? इसका जवाब है 2 दिसंबर। इस डैश को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सीधा ही अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के एक दूरदराज के वन में क्षेत्र में स्थित एक मतदान केंद्र ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में अपने अकेले मतदाता के लिए वोट डालने के बाद 100% वोटिंग हुई। कौन से राज्य में किसने किए? एक अकेला वोटर कौन था? महंत हरिदास जी उदसेन, इनके लिए ये बूथ लगाया गया था। अभ्यास अग्नि वॉरियर का 12वां संस्करण डैश और भारतीय सेना के बीच हुआ। दूसरी सेना कौन सी थी भारतीय सेना के साथ? सिंगापुर सेना थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने डैश के रेगिस्तान में अभ्यास सुदर्शन प्रहार किया, कहां पर किया है? कौन से रेगिस्तान में? राजस्थान के रेगिस्तान में ये प्रैक्टिस की है। आखिरी क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को दिल्ली और बेंगलोर वाराणसी हवाई अड्डे पर अपनी चेहरे की पहचान प्रणाली शुरू की, इसका नाम क्या है? इस प्रणाली का नाम है डिजी यात्रा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये 11 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे आगे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।